हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कुछ हेल्दी खाना चाह रहे हैं तो आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कप सूजी, आधा कप ग्रेटेड कोकोनट, एक छोटा सा टुकड़ा प्याज। इसको हम एक जार में डालकर आधा कप दही और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी हम इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद जो है हमारा बैटर कुछ ऐसा दिखेगा। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अभी हम इसको एक बाउल में अलग से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसमें एक पिंच सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जो भी कुछ आप बोलते हो, और नमक स्वाद अनुसार इसमें डालकर इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। मीनवाइल हम अपनी चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी के लिए एक मीडियम साइज प्याज को हम हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। एक जार में ग्रेटेड कोकोनट और जो तले हुए प्याज हैं ठंडा करके उनको डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार और लाल मिर्च डालकर हम ये चटपटी सी चटनी रेडी करेंगे। अभी एक तवे को हम गरम करेंगे, उस पर थोड़ा सा तेल डालकर और ये बैटर से हम छोटे छोटे डोसा बना लेंगे। इसको हमें दोनों तरफ 30-30 सेकेंड के लिए सेकना है और हमारा इंस्टेंट डोसा बनकर एकदम रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी भी है, बहुत लाइट है। आप किसी भी वक्त इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें और डोसा बनाकर ज़रूर खाएं। थैंक यू, बाय बाय।